रात 10 बजे बाद भी अपना व्यापार व्यवसाय चालू रखने और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में बुधवार रात सिलवटी बस स्टैंड स्थित होटल गुरुकृपा सहित अन्य होटलों पर जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम के रूप में कार्यवाही की गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा रात 10 बजे तक व्यापार व्यवसाय चालू रखने की अनुमति है और तय समय के बाद व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की टीम ने सरवटे बस स्टैंड स्थित होटल गुरुकृपा होटल पर कार्यवाही करते हुए इसे सील किया। वहीं दो गार्डनों पर भी चालानी कार्यवाही की गई। लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन में क्या बोलते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, जिसके द्वारा मास्क नहीं पहना जा रहा, उस पर लगातार नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है और जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है। अन्य TI साहब के द्वारा भी, ADM साहब भी, सभी लगे हुए हैं। सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, माननीय कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और जो व्यक्ति इस प्रकार से इसका पालन नहीं कर रहा है तो उसका स्पॉट फाइन भी किया जा रहा है और उनको हिदायत भी दी जा रही है। साथ अभी तक मेरे द्वारा 111 स्पॉट फाइन किए गए हैं, जो बिना मास्क के घूम रहे थे लोग उनको उनके ऊपर किए गए। हाँ सर, गार्डन्स होटल्स की चल रही थी उन पर भी कार्रवाई लगा। हाँ, आज माननीय SDM महोदय मैडम आए थे तो उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। तो ये गुरुकृपा होटल जो है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बिना मास्क के थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी उसमें नहीं हो रहा था। करीब 100 से 200 लोग इतने जो भीड़ में इकट्ठा करके रखे हुए थे और जो जो कि माननीय कलेक्टर साहब का आदेश है कि 10 बजे के बाद में सभी संस्थान बंद हो जाएंगे, तो वो भी इसमें पालन नहीं किया जा रहा था और काउंटर पर भी बहुत सारी भीड़ लगा के रखी थी जिन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा के रखे थे, तो इसको सील किया गया है। सर, ऐसे कई होटले और जो बाजार हैं उन पर लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जी, लगातार हमारे द्वारा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से 8 बजे से शुरू हो जाता है हम लोगों से और रात्रि 10 से 11 बजे तक ये सब कार्रवाई चलती रहती है और अनाउंसमेंट भी होता है, साथ साथ में स्पॉट फाइन भी किया जाता है। निगम और जिला कलेक्टर की संयुक्त टीम लगातार मैदान में है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों पाकिजा सहित अपना स्वीट्स पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। Voice of Rights.